आर्द्र भूमि संरक्षण अभियान के तहत बक्सर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आर्द्र भूमि संरक्षण अभियान के तहत एक दौड़ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की ओर का आयोजन किया गया था। इस दौड़ में वह स्वयं भी शामिल हुए और लोगों के साथ दौड़े। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बक्सर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा रहा है, ऐसे में इस बक्सर को और भी हरा भरा बनाए रखने के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि आज इस अभियान से इस बात का प्रयास शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि संस्कृति और प्रकृति के साथ ही प्रगति हो सकती है। तो सिद्धास्तम की भूमि प्राचीन काल से जो जहां हम खड़े हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र चरित्रवन के रूप में जाना जाता था, जहां 84,000 ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष यज्ञ करते थे, इसलिए इसका सतयुग के कालखंड में सिद्धाश्रम नाम था। बाद के दिनों में कई नाम बदलते रहे, वेद गर्भा का भी, महर्षि विश्वामित्र ने यहीं से गायत्री की रचना की। प्रकृति का अगर कहा जाए, प्रकृति के रूप में ये क्षेत्र इतना पुष्पित और पल्लवित था, तो प्रकृति की रक्षा करने का, प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। तो यह जो प्राचीन तीर्थ स्थल है, भूमि है, ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी सारे लोग आए हैं पूरा, और आज ये हमने बक्सर को चुना है। मैं यहाँ का जनसेवक सेवक हूँ, तो हमारा ये दायित्व तो हो जाता है। उसी कर्तव्य के कारण मैंने आज ये आर्द्र भूमि संरक्षण अभियान और साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने की पद्धति, इसके लिए एक दौड़, इस अभियान के लिए मुझे लगता है कि वह आगे भविष्य को भी बनाएगा। नेचर कल्चर और साथ साथ हमें प्रकृति और संस्कृति के साथ प्रगति भी चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, प्रकृति और प्रगति दोनों चाहिए। तो नेचर कल्चर एग्रीकल्चर लिटरेचर देन फ्यूचर।